हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर से होंगे। सो गाइस, कल हम लाइव आए थे, परसों का हमारा व्लॉग नहीं आया। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन। अभी आपसे आपको फरहान से भी मिलवाती हूँ। वेट गाइस, ये फरहान बैठे हुए हैं। गाइस आपसे पूछ रहे हैं, आपका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, बस कल की मसरूफियात में कल मैं लाइट में चला गया, तो अब मैं फ्री हूँ और आपके सामने मोबाइल यूज़ कर रहा था। और नतीजा और के काम वगैरह करेंगे। अच्छा, तो गाइस मैं बना रही हूँ खाना, खाती हूँ एक मिनट। मैं बना रही हूँ आलू और चिकन। ये मैंने चिकन ऊपर रखा हुआ है, अभी चिकन पक जाता है, फिर मैं इसके अंदर आलू डाल के इसको भून के फिर मैं फरहान को टेस्ट करवाऊंगी। कोई ना कोई मसला निकल ही आता है, जो कुछ मर्ज़ी हो कुछ ना कुछ मसला निकल ही आता है। कभी नमक कम, कभी मिर्च कम, कभी कुछ। सो ऐसे ही पकाते पकाते मैं हो जाऊंगी फुल ट्रेन। गर्मी भी बहुत है गाइस। अच्छा, तो मैं और खतीजा अब खाना खा लें जी। मैं भी साथ खा रहा हूँ खाना, तो चलें खाना खा के मिलते हैं आप। अल्लाह। अच्छा, तो आज नानो से हम सवाल करते हैं कि नानो अम्मा, आप कितनी एज थी आपकी कि जब आपकी शादी हुई थी? तेरी 13 साल। 13 साल उम्र से? वाकई? बिल्कुल 13 साल। क्यों 13 साल? छोटी उम्र से क्यों शादी करते हैं? अच्छा, तब ना छोटी उम्र में शादी कर देते थे, तो आपको पता है कि पीछे रवाज जो उनसे चल रहा था कि छोटी, मतलब कि पुरानो अभी भी चल रहा है कि छोटी उम्र में ना बेटियों की शादी कर देते हैं। तो जैसा कि मेरी नानो ने शादी की 13 साल की उम्र में, फिर औलाद जब हुई तब कितनी उम्र थी आपकी पहली औलाद हुई? तो पहली औलाद हुई जो तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी वालदा हुई थी। सबसे बड़ी 15 साल की थी जब मेरी वालदा हुई पैदा, और वो सबसे बड़ी बेटी है इनकी। ठीक है, और ये मेरी नानो है। तो कैसी लाइफ गुजारी फिर, कहाँ रहते थे आप? बहुत अच्छी। नहीं, किसे कार बड़े चले थे? सही, बड़ा कार चार कनाल। सही कह रही हैं, हम खानदानी अमीर लोग हैं, मतलब कि हम जमींदार लोग हैं खानदानी। हाँ जी। तो अच्छा, फिर हमें नाना सही सी थोड़े वास्ते? बिल्कुल बिल्कुल सही, शहजादा बंदा सी, जमींदार बंदा, बिल्कुल रोग रूप हैगा सी उन्हां दा, चंगा पंचायती बंदा सी, बिल्कुल। हां हां जी, आंदे हुंदे सन वड्डे वड्डे लोग, उंदे कोल डेरा बनाया सी आपां, बिल्कुल बनाया सी, डेरा भी बनाया सी भाई जान। ओदे उत्ते बोर्ड बड़ा वड्डा सी साडा। अच्छा, इंजन वाला टूल सी, वड्डे इंजन वाला, वड्डे इंजन वाला, ते वड्डा वड्डे वड्डे वड्डा बोर्ड सी ऐड बल्लो के आंदे, ते आई ना ना सारीयां टालियां ते लैना नाल निम्मा त्रे का। अच्छा, बहुत लहरा बहरा सा बस मुकद्दरा दे। हाँ जी, नाना गु मेरे तकरीबन 12-13 साल हो गए ना, 13 साल हो गए इस दुनिया से रुखसत पर्दा फरमा गए हैं, तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो नाना के, नाना गु के जाने के बाद, मतलब नाना गुजे तो चले गए सन इस दुनिया का, तो फिर केहो जी जिंदगी गुजर गई? अच्छी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। जो उनसे मेरे मामू है ना, तीन मेरे मामू है बड़े, मतलब मेरे अम्मी से छोटे हैं,
और मेरे मतलब कि मैं एक सबसे छोटा है, एक उससे बड़े है, एक उससे सबसे बड़ा, ठीक है, तीन मामू है मेरे। और किस मामू के पास रह रही हैं आप? सेंटर वाला जो सा होता है ना कि दूसरे नंबर पे जो सा मामू है मेरा, एक सबसे छोटा है, एक उससे बड़ा है और एक सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़े वाले से नीचे वाले मामू के पास रहती हैं, तो अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, हर चीज पूरी कर देती हैं। अच्छा, आपने जब नाना अबू थे जिंदा तब आपने ज़ियारत की थी कि उसके बाद की? नहीं नहीं, मैं उमरा भी उदो कीता सी नाना अबू जब थे। हाँ जी। अच्छा। ते फिर मैं ज़ियारत भी शाम तक कर गई। मेरी ये नानो है, इन्होंने उमरा भी किया हुआ है और इन्होंने ज़ियारत भी सारी की हुई है, दो तीन बारी हुई है, उम्र दो बार उम्र भी कर रही है। ठीक है माशाल्लाह। तो आपने मेरी नानो की बातें सुन तो ली होंगी, हमें बहुत मजा आता है जब हम नानो से ऐसी बातें सुनते हैं। तो चलो मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, खतीजा थक गई है। अच्छा तो नानो अब कैसी जिंदगी गुजर रही है? अच्छी है ये भी। अच्छा अच्छी आली भी गुजर रही है। अच्छा शुक्र है उनकी जात पाक दा, नौवां पुत्र चंगे ने, चंगे ने, अच्छे ने, तीनों भी अच्छियां ने। बिल्कुल। ते मैं के हो जाऊं? तुसी भी अच्छे जे, दो तेरे नुआसे मेरे भी अच्छे। अच्छा जी, शुक्र है उनकी जात पाक दा, पोतरे भी, दो तेरे भी, पुत्र भी, नौवां भी, दो जवाई भी, तीनों भी बहुत अच्छी। अच्छा अच्छी जिंदगी गुजर रही। अच्छा जी। हां जी नानो, मैं ते और खतीजा के हो? मेरे साथ जो सा रिश्ता है ना खतीजा का, वो समझ लें कि मेरी नानो की तरफ से वो रिश्ता बना रही है कि एक एक पोती के मेरी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब नानो और मुझे इजाजत दें, ठीक है नानो, तो कोई प्यार मोहब्बत की बात ना कर लें। कर अच्छा नाने ना लव मैरिज हुई सी ना पसंद कर लाई ते दे दिता, ना आई ते ना। अच्छा लब मर जांदा कोई अम्मी है, तेनू सारे वेख रहे ने दुनिया, ठीक है। ਆਪਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨੋ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਅਸਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਆਜ਼ਤ। तो नानो के साथ हम बहुत प्यार करते हैं, हमारी एक ही ये बड़ी पीढ़ी है, इनसे बड़ी थी मेरी दादो, तो वो दादो मेरी तकरीबन 115 साल की हो के वफात पा गई, तो ये मेरी नानो है, मेरी शहजादी, ये इनको मैं अम्मी जी कहता हूँ क्योंकि ये मेरी अम्मी की अम्मी है, ये डबल जन्नत है मेरे लिए और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरी नानो है और हमारा बहुत प्यार है। और मेरी नानो की लंबी उम्र की जिंदगी के लिए आप दुआ कीजिएगा। मैं शबे रात वाले दिन भी मैंने अपनी नानो की ना जिंदगी की उम्र मतलब के लंबी उम्र की दुआ की, और नानो जो सी थी वो कह रही थी नहीं ले क्यों की नहीं, तू साडे बच्चियां दे भी ब्याह वेखने ने ना, लो जी साडा ब्याह वेख लिया ना, तू अगर तुहाडा मां प्यो जीवे हां ते तू भी जींदी रह ना, तू भी वेखदी रह, बस इंज ही हसदी खेडदी रह। अच्छा जी चलो जी, आ वेखन वास्ते अपना किन्ना प्यार है जी, सारे ने देख लिया उन्हें, ठीक है जी। अब मुझे और नानो और खतीजा चलो जी, अब मुझे और नानो और खतीजा को इजाजत दें, फी अमान अल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नानो का।